नहीं, गाना सुन रहा था परमेश वर्मा का, कि पता नहीं नाम क्या था गाने का, लेकिन गाने के लिरिक्स के पहले एक लाइन आती है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले जो आगे बढ़ना चाहते नहीं, दूजे जो उन्होंने आगे बढ़न तो रोक देने, मैं दोवे देखने हैं। तो मैं ये बात बताने के लिए आपके सिर्फ 10 मिनट लूँगा, 10 मिनट, बस 10 मिनट। तो चलिए, तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जैसा मैंने पहली भी स्लाइड में कहा। तो इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब बारी है समझाने की पॉजिटिव, जो कि पहला है। तो पॉजिटिव में जैसे कि उनकी लाइफ में सब प्लस 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 होता रहता है, और वो सक्सेस की सीढ़ी 1 2 3 और अपनी गोल में, अपनी फ्रीडम में, अपना मुकाम पे पहुंच जाते हैं, और वो सबकी मदद करते हैं। सब उनके दोस्त भी होते हैं, उनकी चाहने वाले भी होते हैं। उन समानता समानता उनके नफरत करने वाले भी होते हैं। लेकिन ये मान लो कि ये ग्राफ है, ये मेरे हाथ ग्राफ है, ये वाला जो हाथ है, ये वाला, वो मान लो कि उसकी सफलता है। सफलता ऊपर जाएगी, नेगेटिवनेस नीचे जाएगी, मतलब नेगेटिव जीरो होती है पॉजिटिव लोगों में। तो हाँ, तो वो मदद करते हैं सबकी, सब लोग उनसे अच्छे से बात करते हैं, उन्हें वेल ट्रीट किया जाता है, और लोग उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। फ़ायदा ऐसे कि लोग उन्हें यूज़ करते हैं, वो फिर भी कहते हैं कि भाई चल, एक मौका दिया, 2 मौके दिए, 3 मौके दिए, 4 मौके दिए। लेकिन जब उनका सब्र का बांध टूटता है तो वो किसी के नहीं सुनती सुनते सॉरी सुनते सुनते ही शी, इंग्लिश में जो पढ़ा होगा आपने, तो वो किसी के नहीं सुनते। जब उनका सब्र का बांध टूटता है, वो फिर अपने पॉजिटिवनेस में उसका रिवेंज लेते हैं। ये तो ये था पॉजिटिव। और हाँ, अब आते हैं नेगेटिवनेस। नेगेटिवनेस वो होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, जिससे लोग दूर भागना चाहे फिर भी नहीं भाग पा रहे, वो होते हैं नेगेटिवनेस। वो लोगों का अच्छा तो सोचते हैं, बट एज ए नेगेटिव वे। वो उनका जो दिमाग होता है, जो माइंड सेट होता है, वो उल्टा चलता है। जैसे पॉजिटिव लोगों का सीधा चलता है, ये पॉजिटिव का सीधा चलता है, नेगेटिव का उल्टा चलता है। तो हाँ, तो मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपकी मुलाकात आपके किसी दोस्त से हुई, नया दोस्त है आपका, वो उसकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा ऑफ माइंड माइंडेड थिंकिंग है, ऑफ रहता है उसका माइंड। तो उससे आप मिले, उससे आप पहली नज़र में परख लिया आपने कि वो नेगेटिव इंसान है, वो आपका पॉजिटिव कभी करेगा ही नहीं। तो हाँ, तो वो होता है नेगेटिव का पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, वो आपका इतना ही इतना आपका टाइम वेस्ट करेगा कि आपकी फैमिली में भी वो बात करेगा, फैमिली वाले भी, फैमिली मेम्बर्स भी कहेंगे कि बेटा इससे दूर रहे, भाई इससे दूर रहे, ये तेरे लायक नहीं है। जो तीसरा जो थर्ड स्टेज है नेगेटिव का जो थर्ड स्टेज है, वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। उससे कोई नहीं बचा, उससे उसके दोस्त भी छूट जाएंगे, उसका करियर, उसकी लव, उसका जो भी वो फ्यूचर में बनना चाहता है, वो सब नहीं बनेगा। और हाँ, जो भी उसके जो ड्रीम्स हैं, जो उसके जो मुकाम है जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है, वहाँ पे वो नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँच पाएगा। और लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी, द लेजेंड। तो अलाउद्दीन खिलजी वो ऐसे राजा थे जिसने दिल्ली सल्तनत
बनाई थी दिल्ली टू, हाँ बनाई थी बनाई थी बनाई थी, हाँ सॉरी बनाई थी। और तो बस उसका ध्यान वहाँ भटक गया कि उसने दूसरी रानी जो श्री पद्मावत, जो रानी थी चित्तौड़ की, उसको अपनी सेकेंड बीवी बनाने की कोशिश की थी, और वहाँ पे वो मात खा गया। जबकि उसे पता है कि उसका सामना उसके हस्बैंड से होने वाला था, फिर भी वो मिला भी उसके हस्बैंड से, लेकिन उसने हस्बैंड ने अलाउद्दीन खिलजी को मिलाया नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को मिलाया नहीं। और बस बस हल्की सी झलक दिखाई, हल्की सी झलक दिखाई। और हाँ, जो ये केदार कर रहा था रणवीर सिंह, उसको नेगेटिवनेस का शिकार हुआ। वो पता नहीं कितने टाइम तक, लंबे टाइम तक, छोटे नहीं लंबे टाइम तक अपना इलाज कराता रहा है, विद दी हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट के पास जाता रहा है। तो उसकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही थी। ये तो नेगेटिव इज मोस्ट मोस्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक मेरे स्कूल में एक वो थी, ये लाइन थी, इट इज़ ईजी टू बी बैड बट डिफिकल्ट टू बी गुड। हिंदी में बोले तो बुरा होना बहुत ईजी है, बट अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। एग्ज़ाम्पल नंबर टू में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लो। सपोज़ करो कि आप जैसे पॉजिटिव इंसान थे, आपके सब दोस्त से सब आपसे हंस हंस खेल के बात करे थे, सब आपसे प्यार करते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे, फेसबुक पे कमेंट करते थे, आपको व्हाट्सएप पे कॉल करते थे, आपकी चाहने वाले बहुत थे। बट एज एन यू टर्न योर सेल्फ इन टू अ नेगेटिव पर्सन, यू माई बॉय, माई फेलो, आप लोग ने अपना जो पॉजिटिव की जो इमेज है वो नेगेटिव में चेंज करने के बाद बहुत ही भारी वाला नुकसान किया है अपने ऊपर। आपके अंदर जो वो है, क्या कहते हैं, इनर 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 साइड है, उस पे भी नुकसान किया है, और उस पे नुकसान किया है, मम्मी पापा में पे नुकसान किया है, इमेज पे नुकसान किया है, और रिलेशनशिप्स पे नुकसान किया है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, रिलेशनशिप से मेरा मतलब है फ्रेंडली रिलेशनशिप पे आपने अपना नुकसान किया है। और ये करना बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सेल्फ चुन लो आप। आपको नेगेटिव में रहना है, नेगेटिव में रहो, पॉजिटिव में रहना है, पॉजिटिव में रहो, दोनों में रहना है। अगर दोनों में रहना है, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल में, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें हो ही नहीं सकती। देखो, ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है, एक एक हाथ से तो बजती नहीं है, इसलिए समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर यार ये आज की जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, वो आपको पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक करना, लाइक का बटन नीचे होगा वो ब्लू करके जाना, और सब्सक्राइब के बटन में चाहे आप ये फेंक के मारो या चप्पल फेंक के मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बहुत मज़े आते हैं करने में, और ये मेरे सिलेबस में नहीं था। मैं सच बताऊँ तो ये मेरी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है, ये मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तभी मैं आपके सामने लाता हूँ। अगर ये मैं एक्सपीरियंस नहीं करता तो ये मैं आपके सामने नहीं लाता। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, आपको पता है क्या क्या फेंक के मारना है, और बस कर दो यार, मन को अच्छा।